हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे राजस्थान के फेमस दाल ढोकली। यह खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दाल ढोकली बनाना। दाल ढोकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/2 कप तुअर की दाल। सबसे पहले इसको हम डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसको 2-3 बार पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए हम इसको साफ करेंगे। ये दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम डालेंगे एक कुकर में। इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून नमक, साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ी सी मूंगफली। अब इसमें मैं डालूंगी जितनी हमने दाल ली है उसका 4 गुना पानी। आधा कप हमने दाल ली है तो 2 कप हम पानी डालेंगे। अब इसको कुकर का ढक्कन लगा के 3 विसिल आने तक पकने देंगे। जब तक दाल बॉईल हो रही है हम तब तक ढोकली का ढो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप आटा, जो हम नॉर्मल रोटी के लिए यूज करते हैं वही आटा हमने लिया है। सबसे पहले इसको डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। अब इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी नमक, थोड़ा सा डालेंगे। हल्दी हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, इसी के साथ मैं डालूंगी अजवाइन 1/2 टीस्पून। इसको हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डालना है। साथ में मिलाएंगे ऑयल, ये 2 टीस्पून ऑयल है, ये हम मोयन के लिए डालेंगे। अब इन सभी को हाथों से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। इसका हमें टाइट डो तैयार करना है बिल्कुल पूड़ी के जैसे। ये टाइट डो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट करने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये सेट होता है हम दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए मथेंगे। ये दाल अभी बहुत ज्यादा गाढ़ी है, जब हम इसको तड़का लगाएंगे तब हम इसमें पानी मिला लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ और इसको तड़का लगा लेते हैं। दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले जीरा। मैंने 1/4 टीस्पून जीरा लिया है। इसी के साथ इसमें मिलाऊंगी राई 1/2 टीस्पून, साथ में डालूंगी 2 लाल मिर्ची, ये खड़ी लाल मिर्ची है, इसको भी इसी के साथ डालेंगे और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं और इसको बीच में से कट किया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ इसमें मैं मिलाएंगे 2 लंबी कटी हुई हरी मिर्ची। इन सभी को हम थोड़ा सा भुनेंगे, हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा ही इसको हमें भुनना है। ये देखिए थोड़े थोड़े भुन गए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप याद रखिए हम पहले भी डाल चुके हैं तो हमें ज्यादा नहीं डालना है। धनिया पाउडर मैं डालूंगी 2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, साथ ही मैं डालूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून, हींग डालेंगे हम 2 पिंच,
इन सभी मसालों को टमाटर और हरी मिर्ची के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे, इसको हमें तेज नहीं करना है। इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए लगभग एक मिनट तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी दाल, जो अभी हमने दाल को बॉईल किया था। दाल को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है, इसलिए इसमें मैं मिलाऊंगी 1 कप पानी। पानी डालकर दाल को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची। इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये तीखी भी कम होती है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें एक्स्ट्रा लाल मिर्ची डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल आने तक छोड़ेंगे। जब तक ये बॉईल होते हैं, हमने जो डो तैयार किया था उसकी ढोकली बना लेते हैं। डो को हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करते हैं और इसके चारों तरफ लगाएंगे। थोड़ा सा इसको हम मसलेंगे, जिससे ये सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा लचीला हो जाए। अब इसके हम दो पार्ट्स करेंगे। एक पार्ट का हम अच्छे से बड़ा बॉल बनाएंगे। अब हम प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और ये जो बॉल हमने बनाया था इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से बेल लिया है। ये ना ज्यादा मोटा है ना ही ज्यादा पतला है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। आप इसको किसी भी साइज और किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कट किया है। इसको अब हम प्लेट में रख लेते हैं। बाकी बचे हुए ढोके भी इसी तरह ढोकली बना के हम पहले तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इन सभी को मैंने कट कर लिया है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इसको कुक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे ढोकली जो हमने कट की थी। इसको हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालेंगे एक एक करके। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल फुल रखेंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसको डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में। इस तरह से एक एक करके हमें डालना है, सारे एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस सभी टोकली को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम लगभग 1 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकने देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम दाल ढोकली को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, दाल ढोकली अच्छे से कुक हो गई है, सारी ऊपर आ गई है, मतलब ये पक गई है। ये देखिए, बिल्कुल अलग अलग और खिली खिली बनी है। अगर हम इसको एक एक करके डालते हैं तो इसी तरह से खिली खिली बनती है। अब इसमें लास्ट में मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसको हम हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। इससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही इनहेंस हो जाते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको बॉल में निकाल लूंगी। ये दाल ढोकली को मैंने बॉल में निकाल लिया है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये देखिए, इसकी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग है।
इसी के साथ दाल ढोकली बनकर तैयार हुई। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।